बार बार किक मारने के बाद स्कूटर ने सांस लेनी शुरू की थी। मेरे दिमाग में मेरे पापा की यही आखिरी तस्वीर है। वो एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे जो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे। सर, सर क्या हुआ? सर पुलिस को फोन कीजिए सर। ये 15 मिनट के अंदर ही उन्होंने पापा की जिंदगी छीन ली। सत्या को घर ले जाने आया हूं। सत्या चलो। पापा को उन लोगों ने कफन में लपेटकर जमीन पर लिटा दिया था। उसके बाद मैंने काफी कुछ देखा, लेकिन उतना असर मुझ पर किसी का नहीं हुआ जितना पापा की मौत का हुआ। तुम्हें गैंगस्टर का मतलब मालूम है? नहीं जानते? नहीं जानता। तुम्हारे पापा भी नहीं जानते थे तो क्या उन्हें ऐसे ही मार दिया? पर ऐसे कैसे? तुम्हारे पापा एक ईमानदार इंसान थे। सत्य चलो खाना खा लो। उनकी मौत जाया नहीं जाएगी। आजकल सच्चाई की आवाज दबा दी जाती है, पर तुम्हें अपने बाप की मौत का बदला लेना है। मैं अपने बाप के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ 13 साल का था और सोच रहा था जिस आदमी ने मेरे पिताजी को मारा वैसे तो बहुत है, मैं उन सबको खत्म करके ही चैन लूंगा या फिर मैं भी उन्हीं में से एक बन जाऊंगा। बदला लेने के जुनून में मैं उस दोराहे तक पहुंच गया जहां से एक रास्ता भलाई का था और दूसरा बुराई की तरफ जाता था। आगे ऐसा समय आने वाला था जब मुझे इन दोनों में से एक को चुनना था। स्कूल खत्म हुआ, दिन हवा की तरह उड़ने लगे। माँ ने भी मुझे डॉक्टर बनने के लिए जोर नहीं दिया। 5 साल बाद तो वो कुछ भी पूछने के लिए जिंदा ही नहीं बची। मेरे लिए जिंदगी ने ये रास्ता चुना था। सत्या तू ये क्या? मैं अनजानों को नाम नहीं बताता। विक्टर। मैं समझ गया, तुम मैथ्यू गैंग से हो ना? अबुल भाई के लोग आज तुम्हें टपकाने का प्लान कर रहे हैं, होशियार रहना, समझे? बात सच थी, मुझे मारने सिर्फ 8 लोग आए हो क्या? इसे देखे मुझे 8 महीने हो गए। मुझे देखकर इसकी शक्ल देखने लायक होगी।
मजी अटपण नहीं आली। विक्टर, बोल क्या बात है? सत्या के बारे में सब पता किया, पूरा बैकग्राउंड चेक किया, सब ठीक है भाई। ठीक से काम नहीं चलता, पक्का है तो बात कर। हो सकता है पुलिस का आदमी और माइक छुपा के लाया, तो मेरा दोस्त भी ऐसे फंसा था। पहले मैं इसे पूरी तरह से चेक करूंगा भाई। चल हाथ उठा रहे। सलीम, सलीम, जरूरत नहीं है, मैं पूरा चेक कर चुका। इसको चेक करके अच्छे से पक्का कर लेते हैं ना, क्यों विक्टर? सिर्फ वहां चेक नहीं किया, तुझे देखना है तो देख ले। माइक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका डंडा जरूर है। तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। जेल में कितने साल रहा? 4 साल तक। कई के लिए? गांजा, कोकीन, हथियार और एक पुलिस वाले को जान से मारने की कोशिश भी की थी, उसी के लिए सजा हुई थी। पर तो उसकी जान नहीं ले पाया ना? ले लेता। भाई, हम एक दूसरे को 6 महीने से जानते हैं, अपनी क्या जमती बहुत है ना सत्या? आप भी तो एक आदमी ढूंढ रहे थे ना, ये क्या गाड़ी चलाता है, कमाल है। गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी बदल देता है। हमें इसकी जरूरत है भाई, बहुत काम आएगा ये। नहीं भाई, ये है मैथ्यू, फादर मैथ्यू, जो एक पादरी था। करीब 13 साल तक ये चर्च को अपनी सेवाएं देता रहा, और उसके पीछे उसका एक दूसरा चेहरा भी छुपा हुआ था, एक खतरनाक इंटरनेशनल माफिया। इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रैकेट न जाने दुनिया के कितने देशों में फैला हुआ है। इंडिया में भी ये बहुत मशहूर है, इंटरपोल की लिस्ट में ये टॉप पर है। ऑर्गन्स को हासिल करने के लिए ये सड़कों से लावारिस लोगों को उठाता है, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। इनके कस्टमर्स इनको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं, इसलिए इनका धंधा बहुत बढ़ गया है। मैथ्यू के गैंग का एक खास आदमी है, वो है विक्टर, और ये सत्या, गैंगस्टर मैथ्यू का ड्राइवर। सत्या, गाड़ी रिवर्स में ले और छोड़ दे। जल्दी कर, जल्दी कर। बिल्ले को हमने एक शेर को खुश करने के लिए पकड़ा है, अभी शेर आएगा देख। रखा साले, बता जल्दी, नहीं तो गोली मार दूंगा। बॉस आएगा तो तेरी चमड़ी उधेड़ देगा, बता जल्दी। मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे बता, उस डोनर का हार्ट और लिवर कहाँ रखा है? सच कह, वरना मैं तेरा लिवर निकाल दूंगा, बता। वेलकम बॉस। मैथ्यू, कहाँ है वो? हाँ वही है, कहाँ जाएगा, सब उगल देगा। आइए विक्टर, आ जा। सत्या, वहीं रुक। अबे साले, बहुत शौक चढ़ाया ना तुझे लीवर चुराने का, पता कहाँ रखा है साले? अगर आप उनको वो ऑर्गन्स नहीं मिले ना, तो अपन तेरा ऑर्गन निकाल के कुत्तों को खिला देगा, समझा? टेंशन नहीं लेने का बॉस, हाँ ले चल, ले चल।
विक्टर, क्या हो गया इसको? सत्या, क्या कर रहा है तू? सत्यदेव, डिप्टी कमिश्नर, क्राइम ब्रांच। बिना कोई होशियारी के चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो जब तक मेरी टीम यहां ना पहुंच जाए। सत्या! विक्टर! तुम इन लोगों जितने बुरे नहीं हो, पर गुनहगार तो तुम भी हो। जेल में तुम्हें मैंने इसलिए बचाया कि तुम्हारे जरिए ऑर्गन्स के इस रैकेट को पूरी तरह से खत्म कर सकूं। ये मैथ्यू मेरा मेन टारगेट था, पर मेरी किस्मत देखो, मोगैम्बो के साथ मुझे गब्बर भी मिल गया। थैंक यू विक्टर। ये है सत्या। अब विक्टर जेल में है, अगर मुझे उनके साथ देखो तो गलती से भी मुझे मार मत देना। ठीक से देख लो मुझे, इट्स मी सत्यदेव। ये वो दुराहा है जहां से एक रास्ता भलाई की ओर जाता है तो दूसरा नरक में धके देता है। मैंने तुम्हें इसलिए छुड़वाया है कि तुम ये धंधा छोड़ दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कोई भी ताकत तुम्हें मौत से नहीं बचा सकती। तुम सोच लो। एक एक करके मैंने लोकल गुंडों को तलाशना शुरू किया और जो जो मिलता गया उन सबको जेल में भरता चला गया, जिससे कई लोग मेरे दुश्मन बनते चले गए। बहुत उड़ रहा है तू आजकल। पुलिस वालों के साथ मैं कभी भी डील नहीं करता। डैनी ने बताया मेरे को सब। हाथ जोड़ता है, लफड़ा नहीं मांगता मेरे को। क्रिश, पैसा लेते जाओ, कम देते जाओ, बात मान लो या डैनी का पता बता दो। तुझे पता चाहिए? सत्यदेव आईपीएस, तो खुद को गैंगस्टर बताता है ना? ये रही तेरी फाइल। खत्म कर दूं से, मार दूं यहीं पर, मार दूं से। ए, रोकिए मत मुझे। इसे ऊपर लेकर चलो। ऊपर जाने तक बच गया। ऐसी नकली फाइलें तो मैं भी तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। ऐसे वक्त पर मैं तुमसे तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, मेरा तुम्हारे साथ ऊपर जाने का कोई मूड नहीं है। साला पागल है। अब दूसरा जोक भी सुना दे। दूसरा जोक तेरे ऊपर है कुत्ते। मेरे ऊपर पहुंचने से पहले तू मरेगा। मेरी क्रिसमस। तुम ही सत्यदेव हो ना? Hi, nice meeting you. I am DCP. Richard. हाँ, वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी। वो लिफ्ट में डैनी को निपटाने से पहले मैंने सुना है कि तुम उससे तीन बातें कहना चाह रहे थे। दो तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो तीसरी बात नहीं जानता हूँ। क्या वो ये थी कि किसी को ऊपर पहुँचाने के लिए लिफ्ट की जगह सीढ़ियां भी यूज कर सकते? वहाँ बाहर लोग क्रिसमस मना रहे हैं और मैंने तुझे रोक लिया है, इसलिए मैं क्रिसमस के साथ साथ दिवाली के पटाखे भी फोड़ूंगा। वाह, क्या पटाखा फोड़ा। एक मिनट रुको। मुझे जानते हो? हाँ जानता हूँ।
नाम क्या है तेरा? सत्यदेव, जो कभी मेरे बाप का बॉडीगार्ड हुआ करता था। देख, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा, मुझे जाने दे, बाकी मेरा बाप संभाल लेगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बेटे हो तो अपने बाप से कहना पहले तुम्हें संभाल कर रखे। अरेस्ट हिम। क्या? अरे सुनो तो, ये बात याद रखना, वो रेपिस्ट है, मर्डरर है, गैंगस्टर है। वो ट्रेन से उतर कर 2 नंबर गेट से निकलेगा, वहाँ अरुण होगा। अरुण ने छोड़ा तो पांडे मिलेगा, अगर पांडे से बचा तो मैं मिलूंगा। ओके सर। कौन से स्टैंड का है तू? किसी स्टैंड का नहीं हूँ, अपनी ड्यूटी पर हूँ। क्या कहा? तुम घबराओ नहीं, जाओ। कोई ऑटो नहीं मिल रही है, तुम मना मत करना प्लीज। सॉरी मैडम, ऑटो खाली नहीं है, मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। मैडम कोई दूसरा ऑटो ले लीजिए, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम करना है। इससे जरूरी भी कोई काम है क्या? आजकल मर्दों में कोई इंसानियत ही नहीं बची है, प्रेग्नेंट औरतों को भी कोई मदद नहीं करता। पांडे ने उसे ठिकाने लगा दिया सर। थैंक गॉड। एक मिनट सर। साहब घर पे हैं क्या? फ्रेंड है अपन। बाहर तो आइए सर। गोल्डन राज नाम है। नमस्कार सर। घर के बाहर ही रहो। बिना जाने कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आप तो नाराज हो गए। यहाँ तुम भलाई के काम के लिए तो नहीं आए होगे? बैठिए तो सही, जानता हूँ आपको बहुत टेंशन है। आप लोग अपन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, पर सुना है कि अगर आप चाहें तो उस हिट लिस्ट से मेरा नाम हटा सकते हैं। 1 करोड़ अभी साथ लाया हूँ, 1 करोड़ कल दे दूंगा। अपन को यकीन है कि आप ये बात समझ जाएंगे। और बेटे की शादी की बात तो भूल ही गया। काट देना। अगर अरेस्ट हो गया तो बेटी की शादी में बहुत बेइज्जती होगी। लड़की का बाप हूँ, थोड़ा रहम कीजिए। तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, दूसरे ज्यादा जरूरी हैं। तू तो वैसे ही फंस गया फालतू में। फालतू में? तू गेहूं के साथ घुन की तरह पिस गया। घुन हूं मैं? घुन मत समझो सत्यदेव। इसी बीच पांडियन को तुमने मालपुरा में मारा था। शहर के सारे कॉलेज स्कूल के बाहर तुम्हारे ही आदमी ड्रग्स बेच रहे हैं। साले कमीने, सच्चाई जानता हूं मैं। ठीक है, पैसे लेकर आया हूं, कल और दूंगा, जितना चाहो उतना। इसे गलत मत समझना, जिंदगी में जितना भी जोखिम उठा लो या जितनी भी मेहनत कर लो, तुम उतना नहीं कमा सकते जितना मेरे गैंग का एक छोटा सा घोरका कमा लेता है। पैसे के बिना जिंदगी बेकार है, जानता हूं मैं। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े कहो, मैं दूंगा, बहुत पैसा है। हिट लिस्ट से नाम हटवा दो, बस इतना ही। मैंने सुना है कि तुम्हारी औकात 2 कौड़े की भी नहीं है। किसने कहा ये? एक मरा हुआ घोड़ा भी पूरे 1.25 लाख का होता है, सुना नहीं क्या? तुम मुझे फंसाने आए हो क्या? तुम दोनों में से माइक किसने छुपा रखा है, या कैमरा किधर रखा है, या अपने पीछे न्यूज चैनल को साथ लेकर आए हो? ए, चीची, क्या बोल रहा है? तुम भरोसे के लायक नहीं हो राज। चलो कपड़े उतारो, प्रूव करो कि ऐसा नहीं है। पैसा तो मैं कहीं और ले लूंगा। समझ गया, चलो शुरू हो जाओ। तुम्हें नंगा होते हुए देखकर मुझे शर्म आएगी। मेरा कांस्टेबल आएगा, उसके चेक करने के बाद फिर मिलूंगा। सर्वम,
जी सर। आज तुम लेट आए थे ना, जाओ सजा भुगतो। सर आप अपनी शर्ट पैंट उतार दीजिए, और तू भी। कई बनियान में तो कैमरा माइक नहीं छुपाया। हाँ सर, माइक कैमरा कुछ भी नहीं है। ए, क्या कर रहे सत्यदेव? रुको, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हा? मेरे ही घर में घुसकर मुझे खरीदने आए हो, यही हो तुम? यू आर नथिंग सत्या, एंड आई एम अ पुलिस ऑफिसर, डीसीपी सत्यदेव। तेरी तरह नहीं हूं जो गुंडागर्दी के बल पर कानून का खुलेआम बलात्कार करता है। गवर्नमेंट मुझे भरपूर तनख्वाह देती है, बंगला गाड़ी सब कुछ है मेरे पास। वहां खड़ा वो कांस्टेबल अपने काम की वजह से प्रमोशन पाता है, वफादार है वो मेरा। पर तेरे गुर्गों को तेरे मरने के बाद मिलता है प्रमोशन, वो सब तेरे मरने का इंतजार करते हैं। hey, मेरा बाप बहुत कम पैसे कमाता था, लेकिन उसके मरने के बाद आज मैं हूँ डीसीपी। तेरे मरने के बाद तेरे बच्चे सड़क पर भीख मांगते फिरेंगे, वो तेरे मुंह पर थूकेंगे साले। सर्वम। जी सर। अगर ये यहाँ एक मिनट भी रुका तो इसे काट डालूंगा। नाउ गेट आउट, चल साले, दफा हो जा। साहब के बिल में हाथ डाला है। निकल, कल 12 बजे मैं खुद आऊंगा तुझे अरेस्ट करने। चल जा यहां से। चलो निकलो यहां से, अरे निकलो, चलो चलो चलो। पैसा कम नहीं था? तेरे पास तो ऐसे बहुत आते होंगे। मैं तो बस अपने दिल की सुनता हूं डैड, आप ही ने कहा था ना। और मुसीबत यह है कि आप हमेशा साथ रहते हैं, तो घूस कब लूं? तो मुसीबत मैं हूं। मुरली के नाम पे रजिस्ट्री क्यों है, जबकि इंस्टॉलमेंट्स तुम ही भर रही हो? पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बच्ची की कस्टडी मेरे पास है ना, इस शादी से मैं बस इतना ही चाहती हूँ। आई एम हैप्पी मनोज, ये तलाक बस बिना झगड़े के हो जाए इतना ही काफी है। लेकिन मैं तो तुम्हारे एलिमनी के लिए भी आर्ग्यू करना चाहता था। चलो कोई नहीं। हेलो सर। ऐसा सिर्फ हिंदी फिल्मों में देखने को मिलता है, पर असल जिंदगी में एक ऑटो वाला 2 साल के अंदर एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। Really? I'm joking. अगले ही दिन हॉस्पिटल के टीवी पर मैंने आपको न्यूज में यूनिफॉर्म में देखा था। अच्छा, इसका नाम क्या है? ईशा। Hi, baby. उस रात आप ही की वजह से इसकी जान बच पाई है, वरना पता नहीं क्या होता। Oh, come on. जाओगी बेटा? जाओ। फोन नंबर निकाल सकते हो? ये काम थोड़ा पर्सनल है। श्योर। अपराधी का नाम, जगह, नेटवर्क, पोस्टपेड है, प्रीपेड है, सब निकाल लूंगा। हेमानिका। हेमा मालिनी सुना? हेमानिका कौन है? हेमानिका वो डांसर है। हेमानिका भरतनाट्यम डांसर, वो तो बहुत फेमस है, वही ना? हाँ वही है। आपको उसका नंबर क्यों चाहिए? क्या आप उससे भरतनाट्यम सीखना चाहते हैं? नहीं नहीं, बगल के बंगले का एक बच्चा डांस सीखना चाहता है और उसे उन्हीं से सीखना है, तभी मैं पूछ रहा हूँ। मेरे घर के बगल में भी एक बच्ची है, वो भी उन्हीं से डांस सीखती है, मैंने कई बार उसे वहाँ पर ड्रॉप किया है। इतना पका एक काम करो सत्या, अपने उस पड़ोसी का नंबर मुझे दे दो, वो मैं अपने पड़ोसी को दे दूंगा, दोनों आपस में कांटेक्ट कर लेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूंगा, तुम बस नंबर पता लगा लो। अपराधी ने जाल बिछाकर पुलिस को फंसा लिया है। तुमने कुछ कहा? 5 मिनट के अंदर नंबर आपके पास होगा। थैंक्स। हाय सत्या, ये है हेमानिका का नंबर।
हाय मैं सत्यदेव, ये मेरा नंबर है, सोचा आपको हेलो कह दूं। हेलो, गुड टू हियर फ्रॉम यू, वी विल बी इन टच, हेमानिका। हाय हेमानिका, मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी? जब भी तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। सॉरी आई वाज ट्रैवलिंग फ्राइडे मॉर्निंग। लेके जाओ इसको, लॉक अप एंड डाउन। आज तो खोल के देगा तेरे को मैं। ले चलो साले को। अच्छी लग रही हैं आप। धीरे-धीरे हम तकरीबन रोज ही मिलने लगे। एक दिन वो बच्ची के साथ मेरे घर आई। हाय, प्लीज कम, ये है मेरा घर, बैठो ना। हमारी दोस्ती अब नजदीकियों में बदलने लगी थी। हम एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे थे। हम एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते थे और ज्यादातर ईशा हमारे साथ होती थी। इसी तरह प्यार की खुशबू के साथ 4 साल गुजर गए। उस दौरान ऑर्गन्स का रैकेट चलाने वाली गैंग अपना बिजनेस बहुत तेजी से फैला रही थी, जिसकी मुझे भनक भी नहीं थी। काएगा, भूख लगी है? हाँ लगी है। मेरे साथ चल, अच्छा खाना खिलाऊंगी। ये लवर ये नाम क्या बताया था? सुंदरी। और खाएगी? अजीबा टेंशन नकोगी। एक काम करते हैं, इसका ब्लड सैंपल लैब में टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। 1 करोड़ लगेंगे। आपके पति के लिए लिवर डोनर मिल गया है। उस डोनर का कुछ अता पता है? डोनर का नाम तो नहीं बता सकती, पर तुम ही टेंशन नको घेऊ, सब लीगल है। जो डोनर मिला है ना, उसका लीवर आपके पति के लीवर से मैच करता है, लेकिन उसने रिक्वेस्ट के लिया है कि बाहर में उसके बारे में कुछ न बताऊं। समय बहुत कम है मैडम, जल्दी से फैसला कीजिए। चलो इसे ऑक्सीजन मास्क लगाओ, ब्लड प्रेशर चेक कर लो, जितना जल्दी हो सके इसका ऑपरेशन खत्म करना है। विक्टर ने एक और क्लाइंट भेजा है, उसका भी हार्ट ट्रांसप्लांट करना है। मेल बांध के पैसे खाएंगे, माली माल कमाएंगे। जिस छोटे मोटे गुंडे को सत्या ने अच्छी राह पर चलने के लिए जेल से रिहा कर दिया था, वो आज ऑर्गन्स रैकेट का माफिया बन गया, और वो है विक्टर मनोहर। इस तरफ सत्या और हेमानी का रोज मिलने लगे, मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा, साथ ही नजदीकियां भी बढ़ी। ये नजदीकियां कब प्यार में बदल गईं, ये न सत्या को पता चला और ना हेमानिका को। इतने स्मार्ट दिखोगे, मुझे शक होने लगेगा। कोई गलत इरादा तो नहीं है ना? तुमसे शादी का इरादा है। Will you marry me? लोगों की बातों से परेशान हो क्या? Look, I love you. तुम भी चाहती हो तो शादी कर लेते हैं ना, डर कैसा? ईशा, ईशा तो किसी और की बेटी है वो। यही डर है कि कल अगर हमारे बच्चे हुए तो। तुम मेरा दिल दुखा रही हो, आइंदा से तुम ऐसा नहीं सोचोगी। सत्या, I'm sorry, मेरा मतलब ईशा सिर्फ तुम्हारी है, तुम सिर्फ मेरी हो, और अब से ईशा हम दोनों की है। वो तो बहुत पहले से मेरी बेटी है। जानती हो, जब पहली बार कोर्ट में मैंने उसे गोद में लिया था, तभी से सोच रहा हूं। 6th से वो अच्छे स्कूल में जाएगी, उसके लिए हमें रोज रोज अप्लाई करना होगा, लाइन लगानी होगी, लगाएंगे। उसके बाद अगर स्कूलिंग खत्म होने पर उसने बाहर जाकर पढ़ने के लिए कहा, तो पहले हम उसे मना करेंगे,
फिर भी उसने जिद की तो उसके लिए थोड़े थोड़े पैसे बचाएंगे, वो भी आज से, और भेजेंगे पढ़ने के लिए। मेरी सैलरी तो जानती हो ना तुम, और मैं घूस नहीं लेता, कभी लूंगा भी नहीं। ये मैंने इसलिए कहा है कि तुम मुझसे कभी ऐसी उम्मीद मत करना, और ये मेरा वादा है कि ईशा के अलावा हमारा दूसरा बच्चा नहीं होगा, चाहे मेडिकल शॉप के कितने ही चक्कर क्यों न लगाने पड़े। और एक वो था जिसका चेहरा भी याद नहीं, ईशा के पैदा होने का भी वेट नहीं किया उसने, लेकिन तुमने तो, इसीलिए तो कह रहा हूं, हाँ कह दो ना। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, जाकर देखता कोई बुजुर्ग है तो। बेबी गर्ल ईशा मैलम, जरा अपनी मां को समझाओ कि मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए, बोलो। तो तैयार होना है, ये तुम्हें एक मिनट भी नहीं छोड़ती, इसीलिए तो ये मेरे दिल का टुकड़ा है। मुझे तैयार होने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, इसके जागने से पहले मैं रेडी हो जाऊंगा। तुम्हें रेडी होने में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, इसे मैं ले जाता हूँ। इसकी ड्रेस रखती है ना, और शूज सब इसमें है, इसे उठा दोगे तो ये खुद रेडी हो जाएगी। गुड, मैं ले आऊंगा इसे, मेरी जिम्मेदारी है। कल मिलते हैं अपनी शादी में। बोलो अरुण। ईशा बेबी, मेरे आने तक तुम यहीं रहना, ठीक है? यू'ल बी ओके। सारे शरीर पर है, यही इनके पापा के साथ भी हुआ है, बेरहमी से मारा गया है, इनकी बॉडी को घसीट कर यहाँ पर लाया गया है। सर हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप खुद को संभालिए।
मेरी जान तुम्हें सौंप रही हूँ। जिस बच्ची का सब कुछ चला गया हो उसे कैसे समझाऊं कि अब वो अपनी मां को कभी नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। जिसने ये काम किया था मैं उसे जिंदा गाड़ देना चाहता था, लेकिन ईशा को अकेला कैसे छोड़ता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हे मानिका ने ईशा को कभी अकेला नहीं छोड़ा था, मैं भी हमेशा उसके साथ रहूंगा। क्या हुआ, डर लग रहा है? मैं हूं ना, सोचो। आओ रिचर्ड, मैं बाहर जा रहा हूं, 2 घंटे में आऊंगा। ख्याल रखना, बस थोड़ा और आगे जाके रुक दो। तेरी सास दरवाजा नहीं खोलेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पापा। अच्छा ठीक है, चल जा, चिंता मत कर, बैठ। hey, पीछे जा उसके। तुम लोग सब जाओ, मैं संभाल लूंगा। लड़ाई मुझसे थी, तो मेरे परिवार को क्यों घसीटा? तूने गलती की राज, बहुत बड़ी गलती। hey, किसे भेजा था तूने? या तो खुद आया था? बोलना। सत्या, दिल से काम लेता है तो कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया कर। मान लो कि वो मैं था तो क्या मैं उसे कबूल कर लूंगा और तुम मुझे गोली मारकर यहां से बचकर निकल जाओगे? तू कबूल करे या ना करे, मैं तुझे फिर भी गोली तो मारूंगा ही। कमाल है, मार दोगे तो कैसे जान पाओगे कि मैंने मारा था या नहीं? असली कातिल मरेगा तभी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। छोड़ना मत उसे, अलग कर दो। हाय। पापा कहाँ है? hey, चलो देखते हैं आज इसे पहले कौन मारता है। hey, बेवकूफ, अलग, तेरे पास दिमाग है या नहीं? भाई मैं मार दूं। hey, तुम्हारे, मैंने कहा तुझे मारने को? याद है तुझे वो दिन जब मैं तेरे घर पे आया था और तूने मुझे नंगा करके निकाल दिया था? तब से तेरी हरकत पर मेरी नजर थी और उस लड़की पर भी मेरी नजर थी, उसकी बेटी को भी मैं जानता था। जब तुम्हारे आदमी ये पता लगा रहे थे कि उस लड़की के मर्डर में मेरा हाथ है या नहीं, वो भी मैं जानता था। धनुष कोटी में श्राद्ध करने के बाद तुम मदुराई में हो
और संगम होटल के रूम नंबर 203 में रह रहे हो, यह भी मैं जानता था। और तुम इस समय आओगे, यह भी मैं जानता था। पता है सब मैं कैसे जानता था? मुझे यह सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे आदमी ने दी थी, तुम्हारा वफादार जो एक बेईमान निकला। नाम मत पूछना, क्योंकि तुम एक ईमानदार आदमी हो। यह तिलक अच्छा लगता है तुम पर। पता है तुम्हें, तुम्हारी प्रेमिका को मारकर मैंने अपने दिल की भड़ास निकाली है। मन शांत हो गया, यही अब उनका स्टाइल है। पत्ता ले लिया मैंने। सत्यदेव, अब तुम्हारी बारी। पर तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी मंगेतर की याद में तड़प तड़प कर जियो। कहा था ना, सांप के बिल में हाथ मत डालना। सिर्फ ईशा है जिसके एहसास ने मुझे मौत से लड़ने की ताकत दी। राज की घिनौनी हरकत की वजह से मैं डर गया था और मैंने फैसला किया कि मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर ईशा को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। अब वो मेरे लिए सब कुछ थी और मैं उसके लिए, और मैं उसे अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था। मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारी है सर, अब मैं ये पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता। मैंने नौकरी छोड़ी और आगे के साल ईशा के नाम कर दिए। मेरी ही वजह से तो वह दुनिया में अकेली रह गई थी, पर इससे भी बड़ी एक और वजह थी, क्योंकि उसके अलावा अब मेरा और कोई नहीं था। गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए हम बहुत दूर जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट तक, यहां से हिमालय तक। अगर जिंदगी के असली रंग देखना चाहते हो ना, तो किताब से बाहर आओ, जगह जगह पर जाओ, अलग अलग तरह के लोगों से मिलो, तभी तुम सीख पाओगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तुम्हें खुद को जानने का मौका मिलेगा, खुद को ढूंढ पाओगे। सॉरी भैया, ईशा आ जाओ।
ट्रेन से चलेंगे, तुम जहां कहोगी वहां तक जाएंगे। ये देखो इंडिया का मैप है, इस मैप पर जहां उंगली रखोगी हम वहां वहां जाएंगे। ठीक है। ये सफर वो सपना था जो मेरे पिता ने मेरे साथ देखा था और अब जिसे मैं पूरा कर रहा था, एक पिता और एक बेटा दोनों बनकर। मैं ईशा के साथ हिंदुस्तान की कई जगहों पर गया। हम राजस्थान गए, घूमते घूमते हम सिक्किम तक पहुंच गए। ईशा को वो जगह बहुत अच्छी लगी और उसने सिक्किम में ही रहने की जिद ठान ली। ईशा ने वहीं पढ़ाई की। मेरी बेटी वहीं से किडनैप हुई है, 24 घंटे हो गए हैं, फिर औती के लिए फोन भी नहीं आया। लगता है कोई और ही मामला है, पुलिस कंप्लेंट की है, वो लोग उसे खोज रहे हैं। इस बात को पूरे 2 दिन हो चुके हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब पता लगा कि तुम आ गए हो तो भागा चलाया। मेरी कुछ मदद करो प्लीज दोस्त। निलंजना ही ना, उम्र 15 साल है। ए, चेन्नई स्टेशन से कोयम्बतूर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने गए थे, वहां काफी भीड़ थी। मैं और बीवी फोन पर थे, मेरी छोटी बेटी अंजलि आगे आ गई थी। फूटी किस्मत, मैं फालतू में अपने बॉस के साथ फोन पर झगड़ा कर रहा था और बाद में देखा तो निलंजना गायब थी, पलक झपकते ही। मैंने पुलिस को बताया और खूब झगड़ा किया, पूरा स्टेशन छान मारा, उसका नाम लेकर बुलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ऑफिसर कौन है? एसीपी जांडी कोस्टा, शायद तुम जानते होगे। मैं पता करता हूँ, कुछ कॉल्स करने पड़ेंगे। नहीं दोस्त, सिर्फ फोन करके मत छोड़ देना है। तुम खुद कोशिश करोगे ना तो वो जरूर मिलेगी, ये मेरा यकीन है। प्लीज दोस्त मेरी मदद करो। निलंजना को वापस ले आओ पापा। उसे ढूंढकर वापस घर ले आऊं? पुलिस की जिस नौकरी को मैंने 4 साल पहले ईशा की सलामती के लिए छोड़ दिया था, उसे मैं नए सिरे से शुरू करने जा रहा था। अपनी बेटी के लिए मैंने पुलिस के जूते उतारे थे और उस दिन अपने दोस्त की बेटी के लिए मैंने वो जूते फिर से पहन लिए और जुर्म को खत्म करने के लिए वापस आ गया। सलाम साहब, मुझे एक लड़की चाहिए। क्या साहब, जब आप पुलिस में थे तब कितनी लड़कियों का ऑफर दिया, तब तो नहीं लिया आपने। दोस्त की बेटी है, बताइए ना। चेन्नई रेलवे स्टेशन से उसे किडनैप किया गया था। उस इलाके में कौन है जो ये धंधा करता है? अली है। कौन अली? या अली मदद अली, ये उसका तकिया कलाम है, ये वही हो सकता है। Woo!
खोजने के लिए ईमानदार पुलिस वाले को यह पता होता है कि किसका दरवाजा खटखटाए। या अली, मदद अली। लेकिन क्यों? कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। मुझे उससे मिलना है। वो इस लड़की को ढूंढ रहा है या सच में मुझसे मिलना चाहता है? वो लड़की किसको बेचता है? कालिया स्वामी। स्वामी, जल्दी और लड़की को लेके जा। कल नहीं, अभी या अभी। वो जो पीछे लास्ट टेबल पर है, ब्लू जीन्स, भगवे कलर की शर्ट में, गले में लाल धागा पहना है, वो भी अली के साथ काम करता है। वो अपने फोन पर किसी को कुछ दिखा रहा था। मैंने देखने की कोशिश की, उस पर एक फोटो थी लेकिन धुंधली थी क्योंकि फोन चाइना मेड है। ये क्यों बांधा है? तुम पोल खोल दोगे? आजकल ऐसे गुंडे नहीं होते। नमक और मिर्ची इधर मौजूद है, अभी एक्शन में उसका तड़का मारेगा। कल से तो नहीं लगता कि तुम गरीब हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे बेटा, कहाँ चले? मेरे पास अली का फोन है जिस पर कार वाले का नंबर है। तुम भी पता करो वो कार कहां पर होगी। ओके। अली के फोन से उसे कॉल करता हूं। अली, मुझे फोन करने से मना किया था ना। रुको रुको, पुलिस चेकिंग है। जाने दो सर, बच्ची बीमार है। अच्छा, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? नंदनवन से, जरा जल्दी में हो सर। और रहते कहां हो? बस यहीं पर, पास में एसवी रोड पर। बड़े मौके पर कॉल लगा। रुको रुको सर, एक व्हाइट BMW X6 इधर से गई है। हाँ सर, अभी इसी तरफ गई है। थैंक यू। अब अपनी टीम को 117 राधा कृष्णा रोड पर भेजो। अगर कुछ चेंज हुआ तो कॉल करूंगा। ओके सत्या। मुझे वहां विक्टर दिखाई दिया। कुछ अजीब लगा। इस केस को मैं जितना सोच रहा था वो उससे ज्यादा खतरनाक था। यहां से
बेंजोडाइजेपिन, मैंने बहुत छोटा सा डोज दिया है। ठीक है, एक और दे दो और इसे आधे घंटे के लिए सोने दो। ठीक है। इंट्रावीनस से दवाई दो और हाँ, हार्ट रेट चेक करते रहना। डॉक्टर ने कहा है इसे थोड़ी देर और सोने दो। क्या हुआ रे? हाँ? इसका तो आज ही ऑपरेशन होना था ना? सर पूछ रहे थे कि सैंपल में कोई डाउट तो नहीं? ना, बिल्कुल नहीं। ये लड़की बराबर मैच करती है। कल रात ही इसका टेस्ट किया है, यही काम आएगी, समझा? अरे यार, ये तो 14-15 साल की लगती है, ये सही है क्या? अरे यार, वो 2-3 दिन में आ जाएगी ना दूसरी वाली, सुहासिनी, US वाली, 28 साल की है। वेट करो उसका, कुछ ही दिनों की तो बात है। अगर वो नहीं आई तो अमेरिका से आना है उसे। अगर आ गई तो उसको भी उठा लेंगे। क्या विक्टर उस लड़की को दुबई में किडनैप नहीं कर सकता? यही हमारे लिए भी ठीक रहेगा। सर की दुबई में बहुत जान पहचान है, बुरखा पहनकर उस लड़की को वहां से निकाल लेंगे। जब ये लड़की हमारे जाल में फंस गई है तो दूसरी काय को, यही चलेगी। विक्टर का भी यही कहना है। डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आ रहे? वो कब तक आएगा? वो सब की चिंता तुम मत करो, विक्टर ने सब अरेंज किया है। 3 डॉक्टर बुलाए, 1 हार्ट का डॉक्टर बुलाए, 1 बेहोश करने वाला। अगर वो नहीं आया तो अपन ही खोल देंगे इसको। ये लड़की हमें नहीं चाहिए, इसे तुम ही रखो और इसके साथ तुम्हें जो करना है करो। मेरे हिसाब से ये करेक्ट मैच नहीं है। अरे यार, ये लड़की मिल गई है और करेक्ट मैच भी है, अब तू सिखाएगा। डॉक्टरों को आने दो, पूछ लेंगे। हेलो, चल रे, तैयार हो जा, 1 दिल पार्सल करने का है। यह सारी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद मैं अपने पुराने स्टाइल में आ गया। कौन है तुम? डॉक्टर। क्या? डॉक्टर सत्या, विक्टर जानता है? आईडी? आईडी नहीं है, घर पर भुलाया हूं, विक्टर ने बुलाया मुझे। सच में हार्ट सर्जन डॉक्टर हूं, यहीं का पता दिया था और कहा था कि पेशेंट तैयार है, विक्टर को फोन करके पूछ लो। पर पता नहीं क्यों उसने फोन नहीं किया। एक काम करो, सीधे जाके ऊपर जाओ। डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं, पुलिस है वो। सही पता नहीं। विक्टर, वो पुलिस वाला आया है, मैं देख लूंगा इसे। अपनी जगह से हिलना मत, इसीलिए डॉक्टर बने थे तुम। ट्यूब्स निकालो, इसे मैं लेकर जाऊंगा, जल्दी। Officers, thank you for coming. Satya, police force ने मेरी बहुत मदद की, खास तौर पर Richard की टीम ने, लेकिन private investigation का भी बहुत बड़ा हाथ था। मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप बहुत अच्छे officers हैं,
वैसे गैर कानूनी ह्यूमन ऑर्गन्स का कारोबार है। यहां लोग अंग दान मर्जी से नहीं करते और ना ही शिकार को बेहोश करके चुराए जाते हैं, बल्कि ऑर्गन्स को पाने के लिए शिकार को किडनैप किया जाता है और मार दिया जाता है। ये ह्यूमन ऑर्गन्स का रैकेट चलाने वाली बहुत बड़ी गैंग है और उनका लीडर है विक्टर मनोहर। आपने तो शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा, पर मैं उसे पर्सनली जानता हूं। SCRB में उसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। वेलूर जेल में मैथ्यू ऑपरेशन के दौरान मैं उससे मिला था। उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले उसे देखा। उसे देखकर ताज्जुब हुआ। विक्टर के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो और उसे अरेस्ट करो। सत्य, सुपर, कमाल कर दिया। तुम यहां कर बैठो ना। विक्टर के लिए वारंट जारी करो। लेट्स गेट हिम। अब विक्टर की शिकारी नजर एक जवान लड़की पर है। नाम सुहासिनी है। वो चेन्नई की रहने वाली है। फिलहाल वो US में है, पर 4 दिन बाद लौटने वाली है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरेगी, वो लोग उसे किडनैप कर लेंगे, क्योंकि कहीं पर कोई मरीज एक दिल के इंतजार में है। अब हमारे पास उस मरीज को ढूंढने के 2 तरीके हैं। निलंजना और सुहासिनी का ब्लड ग्रुप उससे मैच करता है, और दूसरा उसका एक दलाल है जिसका नाम अबुल है। उसकी कार का नंबर मुझे मालूम है। और जीने की इच्छा है या ऊपर जाना चाहते हो? अभी तो मैं और बहुत साल जीना चाहता हूं। मैं एक नंबर देता हूं जो हमारे बहुत काम आ सकता है। नाम है विक्टर। वो जिस धंधे की दलाली करता है वो है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हेलो सर, मुझे बताया गया कि तुम मेरा काम कर सकते हो, तो हम बात कर लें। पैसों की जरा भी फिक्र मत करना। अगर तुम ये काम कर पाए तो मैं जिंदा रहूंगा, पर अगर नहीं कर पाए तो खेल खत्म। वो एक लड़की है, आज वो शहर में नहीं, अमेरिका गई हुई है। आने में कुछ 10-11 दिन लगेंगे। उसके आते ही उठा लेंगे उसको। उसके बाद 2 दिन में ऑपरेशन हो जाएगा। जहाँ इतने पैसों का लेन देन हो, वहाँ बैकअप प्लान तो रखना ही पड़ता है। सुनो, एक दरवाजे के साथ एक खिड़की भी खुली रखनी पड़ती है। जिस लड़की का दिल तुम ला रहे हो उसका नाम क्या है? सुहासिनी। सुहासिनी। उन्होंने सुहासिनी के एवज में निलंजना को किडनैप करके रख लिया था। अब तो निलंजना भी उनके हाथ से निकल गई है। जब अली जैसे लोगों का हम जैसों से पाला पड़ता है, तो हमें देखते ही उस तरह के लोगों की पैंट गीली हो जाती है। पर मैंने वो जगह बचाकर थोड़ा हटकर गोली मारी। टोटल 6 राउंड फायर किए हैं मैंने। ये मेरी गन है, मैं सरेंडर करता हूं। पुलिस फोर्स को तुम्हारी जरूरत है सत्या, अब उस गैंग को खत्म करो। ऑफिसर्स, आज की मीटिंग खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। लेकिन मेरा जाना जरूरी है। What's the problem, Mala? मैंने रास्ते में फोन किया था और किसी ने। It's okay. Let me see what can I do. खूबसूरत लड़की देखी नहीं किशोर? खूबसूरत होने के फायदे तो जरूर है। वैसे एक सीट है आपके लिए, इकोनॉमी में नहीं पर बिजनेस क्लास में। ये हुई ना बात। Yeah, it's right there on this side. This way, ma'am, please. Order some Indian food. So you don't want this? No, I want this. But can I have that also, please? Sure.
फ्री में अपग्रेड मिली है तो उसका मजा तो उठाना चाहिए ना। चीयर्स। Excuse me. You're okay? Oh my God. Need any help? इस कमबख्त उल्टी को भी तभी आना था जब इतना हैंडसम आदमी मेरे बगल में बैठा हुआ है। प्लीज ये मेरी तरफ ना देखे। Are you okay? मैं कुछ यहाँ एक प्रेशर पॉइंट है, इसे दबाने से यू फील बेटर। हाय, क्या अंदाज है। पर थोड़ा दर्द होगा। ओह, शक्ल से तो अंग्रेज है लेकिन बोलता हिंदी है। अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। अब जितना भी दर्द हो हाथ मत छोड़ना, बस कुछ सेकंड्स और। बेटर, गुड, अब आराम करो। लेकिन ये है कौन? Are you a doctor? कौन मैं? कोई चांस ही नहीं। No. इसको पटाना पड़ेगा। क्या जोड़ी लगेगी हमारी? Love and vomit. English title तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर हिंदी में डब होगा तो क्या होगा? उल्टी के बीच पनपता प्यार। छी? अब आपको ठीक लग रहा है? आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? वो इसलिए बोल लेता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, पर इतनी अच्छी नहीं है। Please excuse me. हाँ, excuse me भी बोलता है तो जान निकल जाती है। काश मैं उसका आईपैड होती, कम से कम वो मुझे छूता तो। उसकी कातिल स्माइल, वो बगल में बैठा हुआ था, यही सोचकर मैं उसकी दीवानी होती जा रही थी और सोच रही थी कि ये कितना हैंडसम है। हमारा प्लेन कुछ देर के लिए दुबई एयरपोर्ट पर रुका और मैंने भी ठान लिया था कि मैं उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दूंगी। पता नहीं ये मुझे दोबारा मिले या ना मिले। कई बार लगा कि वो मुझसे बात करेगा पर ऐसा हुआ नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। स्वीटहार्ट, मैं जानता हूँ 12 मिस्ड कॉल्स। मैं अगर बात कर सकता तो क्यों नहीं करता? ओके स्वीटहार्ट, जल्दी मिलता हूँ। ओके, आई लव यू, बाय। इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में मुझे इसलिए जगह मिली थी कि इस हैंडसम के लव कॉन्वर्सेशन सुनने पड़े। ये भी लाइन हुआ, ये मेरे लायक नहीं। ओके, तो कल शाम 4 बजे 4 PM कहाँ मिलेंगे सर? कॉफी शॉप। सुहासिनी तेरी दालियां नहीं गलेगी। रिचर्ड की टीम कहाँ है? हेलो सर। हेलो सर। रिचर्ड? वो आ रहे हैं। हाय सत्या। हाय। फ्लाइट का सफर कैसा रहा? हिलता डुलता। आजकल फ्लाइट में उतना रिस्क नहीं है जितना कि रोड पर चलने से। ऊपर आपको कोई गाड़ी आकर टक्कर नहीं मारती, जबकि हमें जमीन पर हेलमेट पहनकर घूमना पड़ता है क्योंकि ऊपर रोड तो होता नहीं है। शट अप। लड़की को एयरपोर्ट से क्यों नहीं उठा लिया? नहीं विक्टर, जिस आदमी ने हम पर हॉस्पिटल में हमला किया था वो लड़की उसके साथ थी। Thank you.
लेफ्ट साइड से सेकंड हाउस। ठीक से पहचान किए ना? यस सर। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बी केयरफुल एंड वॉच लाइक अ कॉक। सर कॉक नहीं हॉक होता है। कॉक या हॉक, मैं जो कहूँ मेरी मर्जी, मैं तेरा बॉस हूँ, याद रखना। बॉयज मेरी बात समझ रहे हो ना? सर सर अपने पीछे की आंखें भी खुली रखना। श्योर सर। सर आंखें तो पीछे नहीं होती है। बॉस इज ऑलवेज राइट। जी सर। काम पर लगो, मैं चलता हूँ। अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? मैं भूतनियों से डरता हूँ। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड? पिशाचों से भी डरता हूँ। फोन को साइलेंट पर रखना। हाँ, बोलो डियर, डिनर के लिए लेट हो जाए। फोन किसका है? कैटरीना कपूर है, मुंबई से, दोस्त है मेरी। देखना कहीं भाग ना जाए। ओके सर। सत्या, इन लोगों ने चेक कर लिया है, सुहासिनी यही रहती है, ये लोग संभाल लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह नजर रखना। सकती हूँ या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? थैंक यू। थैंक यू। ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप फोन पर मीटिंग फिक्स कर रहे थे, मैंने वो सुना था फ्लाइट में, मेरा मन नहीं माना और आपकी मीटिंग हो गई ना? हो गई। गूगल, मैंने आपके बारे में गूगल किया था, कुछ पता चला, उसके बाद मुझे और जानने की इच्छा हुई, क्योंकि पता था आप यहाँ होंगे तो मैं चली आई। फ्लाइट में तुमने ऐसा क्या देखा जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई? आप में एक जादू है, मैं अपनी जिंदगी में कई लोगों से मिली हूँ पर आप जैसा कोई नहीं मिला। यू आर ब्रेव एंड डायनामिक, ऐसा मैंने पढ़ा है और अब मैं आपको चाहने लगी हूँ। सबसे पहले आपके बारे में और जानना चाहती हूँ कि गूगल ने जो कहा है सिर्फ उतना ही है या उसके अलावा भी कुछ और है जिससे पता चले कि आपकी शख्सियत क्या है। और ये सब जानने से पहले हम कॉफी पियेंगे, लेकिन वो अभी जरूरी नहीं, थोड़ा सोच समझ कर वक्त निकाल कर हम दोनों कॉफी पर मिल सकते हैं, तब डिसाइड करेंगे कि हम दोस्त हो सकते हैं या नहीं। और अगर दोस्त हो गए तो डिनर पर जाएंगे, लंच करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे और तब फिर सोचेंगे। हम सफर बन पाएंगे या नहीं? अभी तो तुम कॉफी पियो, बाकी बातें बाद में करेंगे। हो सकता है सच्चाई जानकर तुम्हें निराशा हो। सिर्फ निराशा होगी ना, मैं संभाल लूंगी। अगर कोल्ड कॉफी लंबे ग्लास में मिली तो और वक्त मिलेगा। मर्डर होने वाला है, देखना है तो देखो, आंखें बंद करनी है तो मर्जी तुम्हारी है। फोन पे रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कर लो, परमिशन मैं देता हूं। Thank you.
स्पीच देने के लिए आया है तू? नेता बनने का शौक है? प्लान की वाट लगा रहा है। वो एक ईमानदार और जांबाज पुलिस अफसर है। नाम क्या उसका? नाम सुनेगा तो पैंट में सूसू कर देगा। सत्यदेव। अब तबीयत कैसी है? ठीक है, कंप्लीटली। Don't worry. और तुम? Are you okay? कॉफी, लंच, डिनर सारे प्लान फेल हो गए। तुमने मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोचा होगा ना? अगर मैं नहीं आती तो आप चले गए होते। इस सब झगड़े की वजह कहीं मैं तो नहीं? बिल्कुल, तुम ही हो। वो तुम्हारे लिए आए थे, उन्हें तुम्हारी तलाश थी। उनमें से एक मुझसे मिलने आया था, बाकी तुम्हारे लिए आए थे। एक तीर से दो शिकार टाइप्स, यू नो। मैं समझी नहीं। क्या हो सकता है, उन्हें मेरी तलाश क्यों है? अब ये सब मत सोचो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, पर तुम्हें वहां रहना होगा जहां मैं कहूंगा। ये कुछ ज्यादा नहीं है? तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानती, पर जहां तक मैं उन्हें जानता हूं वो बहुत खतरनाक लोग हैं। हमारी फ्लाइट की मीटिंग पहले से तय थी क्या? लेकिन आपने ये कैसे किया? सिर्फ 3 फोन कॉल्स और तुम मेरी बगल की सीट में थी। सिंपल। बेबी डार्लिंग स्वीट हार्ट फोन पर कैसे कह रहे थे फ्लाइट में? कौन थी वो स्पेशल लड़की? अगर आप शादीशुदा हैं या कोई और लड़की है तो मैं आपके बीच में नहीं आऊंगी, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। और वैसे भी आपके और मेरे बीच मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आपकी शादी हो गई क्या? मुझे लगा था कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन ऐसा था नहीं। क्या आप दोनों अलग हो गए हैं? आपका कोई बच्चा है क्या? तभी बेबी डार्लिंग स्वीट हार्ट उसी को कह रहे थे। आपकी बेटी है, आप समझी, आप एक बेटी के पिता हैं, राइट? रॉन्ग। आगे देखो सिग्नल। मैं कोशिश करता रहा कि वो मेरी पिछली जिंदगी के बारे में ना जान पाए, पर उसके सवालों ने मेरे पुराने घाव फिर से ताजा कर दिए। अगर मैं आपके साथ रही तो आपको प्रॉब्लम होगी, इससे तो अच्छा। कोई और चारा नहीं है, तुम काम पर भी नहीं जा पाओगी, घर चलो। ये सब कब तक चलेगा? जब तक तुम मेरे साथ रहोगी,
वो तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। सत्या उस लड़की को जानता है क्या? वैसे तो वो सब लड़कियों को जानता है जिनको हम टारगेट करते हैं, समझ में नहीं आता। अबे मुझे जानता है वो, इसलिए वहां बैठा था। उस दिन उसने मुझे देख लिया है, नर्सिंग होम आया था ना उसी दिन, इसीलिए ये सब हो रहा है, इसीलिए। सब ठीक है ना सत्या? थोड़ा दर्द है पर ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं है। हमारे आदमियों को उसे पकड़ लेना चाहिए था, वो चुक गए। उन्होंने कोशिश की थी। ऐसे भीड़ से भरी कॉफी शॉप में किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो खुलेआम तुम पर हमला करे? उसने देख लिया होगा कि मैं साथ हूँ, या ये खबर किसी ने उसे दी होगी कि मैं वहां पर बैठा हुआ हूँ। जाते हुए उसने मुझसे कहा था कि वो फिर आएगा। रिचर्ड, सुहासिनी। तो ये है सुहासिनी? हाँ यही है। आई एम रिवॉल्वर रिचर्ड, डीसीपी वर्किंग विद सत्या। नाइस मीटिंग। आप अमिताभ बच्चन की रिलेटिव हैं? नहीं तो। आप अभिषेक बच्चन की दूर की बहन तो नहीं? नहीं। हाइट देखकर ऐसा लगा। 5'10"। 5'10"? माय गॉड। जरा देखकर बताओ कि अगले सिग्नल पर ट्रैफिक है या नहीं, मुझे उधर से घर जाना है। ये बहुत मजाक किया। सॉरी, जस्ट जोकिंग। थैंक यू रिचर्ड। कुछ ऑफिसर्स को यहाँ छोड़ दो, राइट? बाकियों को भेज दो। ओके, मैं यहीं हूँ, मिलते हैं। ओके। हाय स्वीटहार्ट। क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस डार्लिंग, ये है मेरी बेबी डार्लिंग, स्वीटहार्ट, सब कुछ, ईशा। ईशा, इनका नाम सुहासिनी है। हाय ईशा। हाय। ईशा सुनो, सुहासिनी कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी, इन्हें छोटी सी प्रॉब्लम है, हमें इनकी केयर करनी है, इज इट ओके? ऑफ कोर्स पापा। प्लीज कम। प्लीज कम, तुम्हारा कमरा उस तरफ है। असल में हर जगह पुलिस है। यहाँ मेरी जान हलक में अटकी है और तुम वहाँ अपनी बीवी के साथ पीछे हाउस में गुलछर्रे उड़ाने में लगे हो। सीधे सीधे बताओ, ये काम हो पाएगा या नहीं? पहले मैं लड़कियों के लिए पैसे देता था और इस बार एक लड़की के दिल के लिए पैसे दिए हैं। बताओ मुझे कब मिलेगा वो दिल? सुहासिनी नाम की माला जप रहा हूँ मैं यहाँ पर। डॉक्टर्स कहते हैं मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है। कुछ करो विक्टर, चाहिए तो और पैसे ले लो। जहाँ कहोगे व्हील चेयर में बैठ कर आऊंगा तुमसे मिलने। बोलो कहाँ आओ? Crossroad. वो लड़की इस वक्त इस पते पर है। और वो जिसका घर है वो है सत्यदेव, IPS। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा। MG रोड के कॉफी शॉप में वो उससे मिली थी। तो क्या उन दोनों का चक्कर चल रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर जरूरत पड़े तो मुझे बताओ, मैं और आदमी भेज दूंगा। कैसे भी उसे वहां से निकालो। थोड़ा टाइम तो दीजिए सर। तुम जो मांग रहे हो वही तो नहीं है मेरे पास। अगर मैं इस दुनिया से गया तो
तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। कहे जलो मैंने बाकी पुलिस वालों को वापस भेज दिया और उन्हें अगली सुबह आने के लिए कह दिया। सब ठीक है ना? हाँ सर, बताइए अब क्या करना है? अपनी अपनी जगह पहुंचो। द वॉल, एक के पीछे तुम और दूसरे के पीछे तुम, एक गली में या दूसरी गली में कोई भी आता दिखे मुझे खबर करो, वो चाहे गली का कुत्ता ही क्यों ना हो। इस वायरलेस से सिग्नल करो। यस सर। और हर आधे घंटे में बात करो। मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलता रहूंगा सर। गुड। विक्टर को मैं जितना जानता था वो आएगा, उसे लेने आएगा, और वो जब भी आएगा मैं रेडी रहूंगा। हमारे आदमी उसके घर के सामने तैयार बैठे हैं। बताओ क्या करना है। सत्य मुझे अच्छे से जानता है, वो जानता है मैं आऊंगा। चलते हैं, मैं बताता हूं। सर अलर्ट। एक ब्लैक स्कॉर्पियो घर की तरफ आ रही है। तुम लोग क्यों आए हो विक्टर के कुत्तों? वो ओपनिंग सही नहीं है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं कुछ लफड़ा ना हो जाए। सर बाबूराव आप तो यही रहते हैं। यहाँ इस नाम का कोई भी नहीं है, चलो आप निकलो यहाँ से। ये स्वामी को क्या बताएंगे सर, उसने तो यही पता दिया था। गलत पता बताया होगा। सर आपका नाम? नाम लिखा है, पढ़ नहीं सकते? इससे बात करना फालतू है, चलो। ए रुक, जा मत। ए, जो लड़की तेरे घर में उसे बाहर भेज, नहीं तो कान ठहरेंगे। तुम्हारे घर में लड़की नहीं है जो यहाँ खोजने आए हो? मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, अगर होता तो भी उसे भेजता नहीं। घर में जाकर चेक कर लो, मिल जाए तो ले आओ, पर याद रखो मैं रास्ते में खड़ा हूं, और अगर तेरे हिसाब से किसी को मरना है तो वो तू है। पूरी तैयारी में है, लगता है घर में और लोग भी होंगे। यहां रुकना ठीक नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मैं तो जा रहा हूं। चलो, इसे मरना है तो मरे, हम तो चलते हैं। चलो। ए, मैं आऊंगा, 10 आदमी और लेके आऊंगा, देखता हूं तू कैसे सोता है। आजा। ए, उसने कहा ना बाबूराव नहीं है तो नहीं है, चलना। ए, याद रख मैं वापस आऊंगा। तो विक्टर आगे क्या सोचा है? गुड मॉर्निंग। आज स्कूल मत जाओ, कल चली जाना। पर क्यों? मुझे तो आज स्कूल जाना ही पड़ेगा ईशा। आज मेरा पोएट्री रिसाइटल है, टीचर ने कहा है मुझे आना ही होगा।
प्लीज पापा। विक्टर कब आ रहे हो? बताता हूँ। क्या बाल बाल सफेद हो गए? बूढ़ा हो गया सत्य? बाल की सफेदी तो कल तुमने कॉफी शॉप पर देख ही ली होगी विक्टर। कुछ और देखना चाहते हो तो सामने आ जाओ। चलो मान लिया, बड़ी जान बाकी है तुम्हें, मगर एक मिनट और रुकते ना तो खेल खत्म था। बिल्कुल तुम्हारा खेल। फटी तुम्हारी कमीज थी सत्या। एक बार फिर सामने आओ, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ फटेगा। अच्छा खासा पुलिस की नौकरी छोड़कर कहीं चले गए थे, फिर अचानक क्यों प्रकट हो गए, वो भी इतने साल बाद? वैसे अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी है। वैसे एक बात पूछनी थी, वो तुझे चाहिए क्या? नहीं ना, तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं ना, तो फिर क्यों सत्या? खुजली है, वैसी नहीं जैसी तुम सोचते हो, वर्दी की खुजली, कुछ समझे? समझ गया, मैं भी तेरे जैसा ही हूँ सत्या, मुझे भी खुजली है। बहुत साल पहले तूने समझाया था, मगर मैं तेरी बात समझना चाहता नहीं था। वो क्या है ना, लाइफ में आगे बढ़ जाओ फिर उसके बाद वापस आया नहीं जाता, मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता। समझा सत्या? बहुत अच्छी तरह, सही कहा। तो अब क्या सत्या, क्या इरादा है? मिलते हैं, आ जाओ। पुरानी दोस्ती के लिए। तुझसे क्यों मिलूं मैं? तू कोई बहुत बड़ा डॉन है, बड़ा आदमी है, नहीं ना? मुझे तुझ पर भरोसा था सत्या, पर तेरी इस हरकत ने मेरा दिल तोड़ दिया। तुझे लेकर मैंने कितने बड़े बड़े प्लान्स बनाए थे, मगर तूने मेरे गैंग में घुसकर मेरी ही मट्टी पलीत कर दी। मुझे वो धोखा याद है सत्या, याद है मुझे। मैं अपना फर्ज निभा रहा था विक्टर, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम और तुम्हारे आदमी कोई सच्चाई के ठेकेदार और दूध के धोले हैं। तुम्हारे ग्रुप का हर आदमी और तुम भी एक नंबर। चलो मान लिया, इसीलिए मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें फोन करके यही बात तुमसे कहूंगा कि मैं भी अपना फर्ज निभा रहा था। आगे बोलो। मैंने उसे उठा लिया सत्या। समझा नहीं? मैंने उस लड़की को उठा लिया है सत्या, अब समझ में आई? सुहासिनी, तुम ठीक हो? हाँ। सत्या, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। सॉरी, बता तूने कैसे उठाया है विक्टर? डरा या नहीं, जाके चेक किया या नहीं? मतलब वो घर में ही है ना? बोल विक्टर। ए, मैं ही तो बोल रहा हूँ कब से, तू बोल विक्टर बोलता रहेगा तो मैं क्या सारा दिन बोलता रहूँ? कुछ तो गड़बड़ है सत्या। यार तुझमें वो पहले वाली जो बात थी ना, वो नहीं रही, बूढ़ा हो गया है, आवाज का दम चला गया है, क्या हो गया सत्या? यही तो मैं भी सोच रहा था। वो क्या है ना, मैं बताता हूँ, असल में ये फोन कॉल वगैरह ये तो पुलिस ट्रेस कर लेती है कि नहीं? अब हम इतनी देर से बात भी कर रहे हैं, क्या हुआ, ट्रेस नहीं किया? नहीं, वो अगर किया होता तो तुम्हें पता लग चुका होता कि मैं कहां पर हूं। 10 सेकंड में ये फोन बंद हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी, याद है सत्या, कि मैंने उसे उठा लिया है। वो बात अब कहनी चाहिए थी तब मजा आता। तेरी बेटी के स्कूल से बात कर रहा हूं मैं, दोबारा फोन करूंगा सत्या। उस तरफ ढूंढो, मेन रोड की ओर जाने वाले सारे रास्तों को ठीक से चेक करो, इस बुक में सारी गाड़ियों के नंबर लिखो। चलो फिले, मेरी लास्ट कॉल का लोकेशन बताओ। वर्किंग ऑन इट सर, 30 सेकंड में बताता हूं। स्कूल पहुंचे, जस्ट अराइव। ईशा ठीक है ना? क्या हुआ सर, इज एवरीथिंग ओके? सब कुछ ठीक है वहां? ऑल क्लियर सर। सावधान रहना। यस सर, 100%।
ओके, मैं इमीडिएटली अपनी एक टीम को स्कूल भेज देता हूँ। बट सत्या, कहीं ये कोई ट्रैप ना हो, इसलिए तुम जरा घर में ही रहना, ठीक है? अभी किसी का फोन आ रहा है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके। हाँ, बोलो फिलिप। सर, रेस रूटेड टू फाउंटेनहेड स्कूल सर। थैंक यू फिलिप। डीसी की टीम के 5 आदमियों से कहो कि वो फाउंटेनहेड स्कूल जाए। हमें निकलना है, जरा जल्दी। तुम्हारा नाम क्या है? ए, जल्दी करो, जल्दी एम्बुलेंस आते ही हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी से। सर, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर विक्टर के आदमियों ने ही इन पर हमला किया होगा सर। हमने हर जगह नाकाबंदी करवा दी। लेके जाओ। ठीक से बताओ क्या हुआ था। सर, यहाँ पर 5 लोग आए थे और उन्होंने पहले सर इनको इनके ऊपर हमला किया। सर, उनमें से एक मेन आदमी था और वो बच्ची को उठाकर सर सर उस तरफ लेके गए। कौन सी कार? सर, फोर्ड एंडेवर एसयूवी। स्कूल पहुंच गया क्या विक्टर? देख, तुझे 1 घंटे का वक्त देता हूँ। वो तेरे साथ बैठी है ना, वो खूबसूरत वाली। पहले उसे मेरी बताई जगह पर ले जाकर छोड़ दे, उसके बाद मेरी बताई दूसरी जगह पर आ जाना और अपनी छोटी वाली को ले जाना। 1 घंटे के अंदर अगर खूबसूरत वाली मेरी गाड़ी में नहीं चढ़ी तो तेरी छोटी वाली को पार्सल करके तेरे घर पे कुरियर कर दूंगा। विक्टर, इसने मेरी बच्ची को मत घसीट, ये लड़ाई तेरी मेरी है। तेरे मुंह से 2 ही शब्द निकलने चाहिए, कहां आओ। उसके अलावा तेरे मुंह से और कुछ नहीं निकलना चाहिए। बोल कहां हूं? माउंट रोड LIC कॉर्नर पर। इस नंबर पर एक मिस कॉल देना। अच्छा, और फिर कभी आराम से बैठकर बात करेंगे तो मैं तुझे बताऊंगा कि हेमानिका ने मरने से 10 सेकंड पहले क्या कहा था। ठीक है ना सत्य? अब तक मैं एक झूठ के सहारे जी रहा था कि हेमानिका को गोल्डन राज ने मेरी ईमानदारी की वजह से मारा है, जबकि वो मेरी आपसी दुश्मनी की शिकार हो गई। ये बोझ मेरे लिए बहुत भारी था। मुझे माफ कर दो ईशा। जहाँ भी बुलाया है वहाँ पहुँचते ही मुझे जाने दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ईशा मुसीबत में पड़ जाए। प्लीज प्लीज सुहासिनी, ये जरूरी नहीं है। अरुण, लैपटॉप। ईशा बेबी, कहाँ हो तुम? प्लीज बेबी। ए, कब पापा, तुम कितनों को जाओ? अगर एक बार और आवाज निकाली हो तो मार दूंगी तुझे। सर, GPS ट्रैकर ईशा के स्कूल बैग में? नहीं, उसकी घड़ी में है। थैंक गॉड। क्या बात है सर? ईशा इस समय यहाँ है। लगता है रास्ते में लोगों ने ईशा की गाड़ी बदल दी है। इस एरिया में यह आनंदा से 4 नाका जाता है। टीम को बोलो कहीं भी सफेद एंडेवर को पार्क देखे तो उसे चेक करें। श्योर सर। और ईशा की पोजीशन बताते रहो।
रिचर्ड, बुरूर, पलाड़, पंजा, एयरपोर्ट, हर जगह अपनी टीम तैनात रखो। उस रास्ते के सारे व्हीकल चेक कर सकते हो क्या? सर वो आगे निकल गई है, ये इधर मुड़ गई है सर। सर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की तरफ चलिए। रिचर्ड, गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। ओके डन, आई विल कॉल यू बैक। तो पास ही है सर। कहाँ जा रहा है सत्या? माउंट रोड LIC कॉर्नर। अच्छा, तो उसके लिए इतना घूम के क्यों जा रहा है? या LIC की बिल्डिंग कहीं शिफ्ट हो गई है? हो गई है तो बताओ, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अगर LIC बिल्डिंग जाना था तो पहले ही राइट लेना चाहिए था, या कम से कम अब राइट लेना चाहिए। तूने लेफ्ट क्यों ले लिया सत्या? तू जहाँ से मर्जी आ, लेकिन तेरे पास पौना घंटा है। और मेरी गाड़ी वो आयरन ब्रिज है ना? हाँ, नेपियर ब्रिज, वहाँ पर खड़ी हुई मिलेगी। उसमें सुहासिनी को बैठाना तुम्हारी ड्यूटी है, और अगर वो नहीं चढ़ी, या हमारी गाड़ी का तुम्हारे आदमियों ने पीछा किया, या पुलिस ने रास्ते में कोई ड्रामा करने की कोशिश की, तो दिक्कत हो जाएगी तेरे लिए भी और तेरी बेटी के लिए भी। मैं कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद हमारी बात नहीं होगी। लेकिन मेरी बातें सुन ली है तो आखिरी बार आवाज सुना दे। समझा विक्टर? के अलावा और कुछ मत बोलना। समझा विक्टर। क्या हुआ? विक्टर के आदमी, पकड़ो उन्हें। ठीक है सर। ये कहां था है? बाहर निकालो इसे। उस दिन तेरी धुलाई की थी, याद है ना? तू ही विक्टर को फोन कर रहा है ना? फोन कहाँ है? मेरे पास फोन नहीं है सर। थोड़ी मार पीट करनी पड़ती है। सॉरी अबाउट दिस। किसका फोन है? जल्दी बता। विक्टर। वहाँ क्या चल रहा है वे? तूने फोन क्यों नहीं किया? उसने गाड़ी घुमा दी है, मैं पीछा कर रहा हूँ, बहुत ट्रैफिक है। अभी कहाँ है वो? उसने गार्डन से टर्न लिया है, शायद सलाम चौक से नंदनवन पहुंच जाएंगे। उसके बाद माउंट रोड है, मेरे ख्याल से LIC से होते हुए नेपियर ब्रिज जाएंगे। अगर वो प्लान बदलता है तो मैं खबर कर दूंगा, ठीक है? अच्छा ऐसा है, ठीक है, मैं बताता हूँ, होशियार रहना। सर ट्रैकर रुक गया है। सिग्नल होगा, अभी कहाँ है? Just before the airport, sir. निशा, तो कहाँ पर है? Airport road. इतने खूब ट्रैफिक है, आधा घंटा तो लगेगा ही। कांता बकवास कर रहा है, मैंने उसे नेपियर ब्रिज के बारे में बताया नहीं था। कहता है मैं सत्या की गाड़ी के पीछे हूँ, नेपियर ब्रिज आते ही फोन करता हूँ, ऐसा कह रहा है। मैं इस वक्त मेन रोड पे ही खड़ा हूँ। वो यहीं से गुजरना चाहिए था, पर अब तक आया नहीं। और मुझसे कह रहा है सलाम चौक पहुँच गया। कुछ तो गड़बड़ हो रही है लीसा। सर अब ये लोग चल पड़े हैं। सर वो होंडा शोरूम की तरफ मुड़े हैं, वहां से कोई सब्वे होगा। रुकिए रुकिए, इधर नहीं, होंडा शोरूम के लिए यू टर्न ले लीजिए सर। ओके सब्वे, हाँ हाँ यही है, यही पर आए हैं सर। चेक करते रहो। श्योर सर, ट्रैकर यही रुका है। 10 मिनट से गाड़ी की कोई मूवमेंट नहीं है। सर संभल कर। डोंट शूट, डोंट शूट। सत्या तू ही है ना? विक्टर ने तेरे लिए वॉच भेजा है और साथ में कहा है तेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा। बच्ची कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? वेंकट किसी से फालतू भंकस नहीं करता, समझा ना? बाकी मुझे और कुछ नहीं पता। ओके, फोन है सर। बोलो विक्टर। कौन है वहां पे? सत्यदेव और 10-12 पुलिस वाले भी हैं। और कांता? कांता नहीं दिख रहा है। लड़की है कि नहीं? लड़की? वो तो जीप में बैठी है। फोन दे उसे, फोन दे उसे। सर सर विक्टर, रिस्क ले रहा है सत्या, अभी तक रिस्क ले रहा है तू। एक घड़ी पहनाकर अपनी बेटी को ढूंढ लेगा ये सोचा था ना? और ये बात मैं जानता था, है ना? कितना एक जैसा सोचते हैं हम सत्या। ए! मेरी बेटी कहाँ है? सुहासिनी किधर है? मुझे ईशा को देखना है, पहले मुझे मेरी बेटी को देखने दे, उसे मेरे हवाले कर,
और फिर इसे ले जा। hey, नेगोशिएशन के लिए जगह नहीं है। तू अपनी सिचुएशन को भूल के मुझसे बात कर रहा है। तू सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है। वो लड़की वहाँ खड़े आदमियों के हवाले कर और निकल जा वहाँ से। तेरी बेटी को भिजवा दूंगा मैं। उसके आगे उसकी जरूरत नहीं है मुझे, मुझे तू चाहिए, वो अलग बात है, तुझे बाद में देख लूंगा। जो कह रहा हूँ वो कर सत्या। यहाँ मेरे 15 आदमी है और तेरे सिर्फ 3। शूट करके सबको यही फेंक दूंगा। तेरी बेटी की उंगलियां काट के मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा। ए विक्टर, सुहासिनी नहीं मिली तो मेरा सिर्फ नुकसान होगा। मेरा क्लाइंट मर गया तो मुझे सिर्फ पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन तेरे लिए ऐसा नहीं, या कहीं तेरे लिए भी ऐसा तो नहीं है? मुझे एक छोटा सा डाउट है, ये तेरी अपनी बेटी नहीं है ना? है ना सत्या? इसकी माँ से तेरी शादी तो हुई नहीं मेरी वजह से। अब पता नहीं किसने पैदा किया इसे। अब इसके लिए तो आएगा या नहीं मुझे डाउट है। अब तक डाउट नहीं था लेकिन अब हो रहा है। तेरी हरकतों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। ए, तू पुलिस वाला ना होकर बाप होता तो ऐसा करता? कब से तुझे समझा रहा हूँ, जो कह रहा हूँ करता क्यों नहीं? क्यों तंग कर रहा है मुझे? तुझे दोस्त बनाया, तूने जिंदगी बर्बाद कर दी गद्दार साला। वो लड़की ज्यादा प्यारी है। अपनी बेटी प्यारी नहीं है तुझे, बता। ए, मैं आ रहा हूँ वहाँ। कौन कौन है वहाँ पे? मुझे वहाँ कोई नहीं चाहिए, सबको भेज वहाँ से। मैं आ रहा हूँ, देखते हैं कौन बचता आज। ए, तुझे टपका कर ले जाऊंगा उसे। आओ क्या, चुप कर साले, धमकी देना बंद करो, सामने आ जा। मेरी बेटी के पीछे कारों की तरह छिप रहा है, आ जा। सत्या, विक्टर, क्या कर रहा है बे? मैंने तेरे 2 आदमियों को गोलियों से भून डाला। तेरी बकवास सुनकर मुझे हेकड़ी दिखा रहे थे, समझा क्या? चला जा। सत्या, तेरी बेटी की उंगलियां काटकर पार्सल करनी पड़ेंगी मुझे। अगले 20 सेकंड में तुझे फोटो भेजता हूँ। फोन है ना तेरे पास, व्हाट्सएप है ना, उसमें भेजता हूँ फोटो। ठीक है, अब मैं क्या करूं बोल। ये बात, अब खेल खत्म। जैसा कह रहा हूं वैसा कर, तेरी बेटी छोड़ दूंगा। कांथा कहां है? तेरे साथ है ना, उसको फोन दे। अरुण सर। कांथा। यस सर। क्या ये लोग मर गए क्या? नहीं, जिंदा है, सिर्फ पैर पर लगी है। और क्या बच गया? तुम कहो तो लड़की लेकर निकलते हैं। हाँ जल्दी आ। विक्टर, और एक बात। हाँ बोलना। हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया, अब इससे निपट लूँ क्या? इसका गेम बजा डालता हूँ इधर ही, बस एक गोली। इसकी औकात क्या है? पुलिस वाला तो है नहीं, ये खत्म तो खेल। बहुत फंकस करता है ये। यथू, वो फूक मारेगा मर जाएगा, तू गाड़ी में बैठ चुपचाप। ठीक है, इससे तो मैं बाद में देखूंगा। मेरी नाक तोड़ दी इसने, लड़की को लेके आ रहा हूँ मैं। अबे लड़की को ले और इधर आ। ए, ए, गाड़ी में डाल लड़की को। मैं इंतजार करूंगी। क्लाइंट के साइज के लिए यही बढ़िया है। उस लड़की निलंजना को छूना ही नहीं चाहिए था, वही गलती हो गई, इसीलिए सत्य इस झमेले में है। तेरी वजह से। सर, कालिंदी बस स्टॉप के आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा सर। लेफ्ट घूमते ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखेगी, यही वो जगह है, कई मंजिला है सर वो। उस लड़की को वही ले गए हैं, वो लोग किसी पेशेंट के इंतजार में, ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू पाकिया। सर मेरे बच्चे की जिंदगी
आप ही की वजह से बच गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो 10,000 रुपए जो मैंने उसके बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए दिए थे वो आज मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के काम आएंगे। हम पहुंच गए, कहाँ आना है बताओ। हाँ आ जा, यहाँ सब बिछा के रखा है, सब तैयार है। तुम्हारे अंदर आते ही लड़की को खोल देंगे। ऐसे गाड़ी को रिवर्स लेके गेट के अंदर ले लो। खोल बे। इस एम्बुलेंस को रोको। कौन हो तुम? तो तू है मेन विलन, एक पत्थर दिल जिसे उधार की धड़कनें चाहिए। नहीं, उधार की गोली दूं? नहीं। Wrong with her? I have given her anesthesia. I can remove the mask. Shut up! I'm doing it. But, I'm really Arun, sorry, sir. I'm in jao. I didn't do anything. Madad bulao. Koi bachchi hai yahan? Meri beti? Meri beti kahan hai? No child here, sir. No child here. Tu hi khada? सब गड़बड़ हो गया, सत्या पुलिस लेकर घुस गया, बख्या ने धोखा दे दिया। अरे देवा, अब क्या होगा विक्टर? लग तो रहा कि बच गया, मगर पता नहीं। घबराना मत, तू वहीं रुक। तू कहाँ है ये किसी को नहीं पता। नहीं, नहीं, मैं अकेली नहीं रहूंगी विक्टर। तुम जल्दी आओ, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी आओ, अभी आओ। मुझे ईशा चाहिए विक्टर, कहाँ है ईशा? Thank you.
ऐसा तेरे बुलाने पर भी मुझे नहीं आना चाहिए था। क्या करता, तू ही तो मेरी ताकत थी। रोती तू थी और सड़ता मैं था। तुझसे पागलों की तरह मोहब्बत करता था। लीसा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम यहां से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। बच्ची को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, जितना मैं रोई हूं ना सत्या, तू भी उतना ही रोएगा। काश तेरे लिए तुझसे दूर रह पाता तो आज तू जिंदा होती। मेरी गलती, ऐसी गलती जो मैं नहीं सुधार सकता। मुझे माफ कर देना लीसा, मुझे माफ कर देना। कुछ ही पुलिस वाले हैं जो अपने काम को सनक की तरह करते हैं, काम करते हैं। तेरे जैसे सत्या बाकी सब तो हुक्म सुनने वाले किसी काम के नहीं है। 8 दिन हो गए लीसा को मरे, नींदें हराम हो गई हैं 8 दिन में। मेरी नहीं सत्या, तेरी। मैं कहां से कैसे आधमकूंगा उसका डर दिखता है। अपनी बेटी को एक लम्हे के लिए अकेला नहीं छोड़ा तूने। सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, 3 दिन से उसके साथ स्कूल जा रहा है। मैंने तुझे वापस बच्चों की तरह स्कूल जाने पर मजबूर कर दिया सत्या। ओके, गुड नाइट सुहासिनी। वहां है गुड नाइट। यूएस में तो सुबह हो गया लिटिल गर्ल। ओके, चलो मैं जल्दी आऊंगी। बाय बाय। सब ठीक है ना? यहां विक्टर की तलाश जोरों पर है, अब तुम जल्दी आ पाओगी। ये बस एक सेफ्टी प्रिकॉशन है और कुछ नहीं। अभी भी खतरा है, होशियार रहना। ठीक है। सुहासिनी को कहीं तो भेज दिया है तूने। एयरपोर्ट पे देखा था तुम दोनों को। दो लोगों को एक साथ संभाल नहीं पाएगा यही सोच के भेज दिया ना उसे। अब अपनी बेटी को संभाल रहा है, पहरा दे रहा है। मुझे तू नहीं चाहिए सत्या, तेरी बेटी चाहिए। मेरा भी वक्त आएगा, वक्त बदला लेने का। और जब वो वक्त आएगा मैं सबको मार डालूंगा। आनंद, सेल्वम, सेल्वम, मालूम है कि तू यही है क्योंकि मेरे कॉन्स्टेबल्स गायब हैं। चल सामने आ विक्टर। सिर्फ एक चाकू? तुझे वार के अंदर तेरी बेटी सो रही है ना, उसे साथ ले जाने आया हूँ। सामने के रास्ते से जाऊंगा, उसे सड़कों पे आवारा घुमाऊंगा। जिंदगी भर उसे साथ रखूंगा, खूब ख्याल रखूंगा उसका। बस कर विक्टर, सपने मत देख, आ जा। मैं किससे शादी करने वाली हूँ पता है? वो तुझे ढूंढता हुआ आएगा और तुझे मारेगा, ऐसा कहा था उसने। इतनी खूबसूरत थी ना वो, उसके मरते ही दूसरी लड़की ढूंढ ली तूने अपने लिए। गलत बात है। हिमानिका को तूने कैसे मारा था बस ये बता दे, फिर मैं उसके सपने को सच्चाई में बदल दूंगा, वादा करता हूं मैं। उसे मारना सही था। चल अब खेल खत्म करते हैं, या तो तेरी सांसें चलेंगी या मेरी। वार कर।
बस 30 सेकेंड, काम खत्म कर गया था। जो जीतता है वही अच्छा कहलाता है, हारने वाला हमेशा बुरा ही बनता है। कल मेरी मौत का कोई बदला लेगा तो वो अच्छा कहलाएगा।